तो फाइनली गाइस हमारे गेम के अंदर ऐड हो चुका है न्यू स्पाइडर, और स्पाइडर हमारे गेम के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर स्पाइडर को कैसे ले सकते हो और स्पाइडर का क्या चीट कोड नंबर है, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले गाइस आप लोग ये देखो, मैंने अपने गेम के अंदर ऐड कर लिया नहीं ऑटो रिक्शा। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग भी अपने गेम के अंदर कैसे ले सकते हो ऑटो रिक्शा को, और ऑटो रिक्शा का क्या चीट कोड नंबर है, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और उसी के साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने आरजेस टोल की मदद से यहाँ पर न्यू सीक्रेट टनल को स्पॉन करा लिया है। तो गाइस आप लोग आरजेस टोल के अंदर कौन से कोड को डायल करके आप लोग टनल को स्पॉन कर सकते हो, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और उसी के साथ आप लोग अपने गेम के अंदर कैसे ले सकते हो इंडोवर कार को, और इंडोवर कार का क्या चीट कोड नंबर है, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एंड गाइस आज मैं आप लोगों को टॉप 4 ऐसे अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप लोग तो इस वीडियो को लाइक करके ही जाओगे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम का फिक्स डेट भी बताने वाला हूँ कि न्यू अपडेट का फिक्स डेट आपको किस तारीख में देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग अपने गेम के अंदर कौन से चीट कोड नंबर से स्पाइडर को स्पॉन करा सकते हो। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को स्पाइडर का चीट कोड नंबर बता देता हूँ, पर उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को ये बता दूं हमारे गेम के अंदर स्पाइडर किस तरीके से वर्क करेगा। तो गाइस आप लोग जैसे स्पाइडर का चीट कोड नंबर डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर स्पाइडर स्पॉन हो जाएगा। जिस तरीके से आप लोग व्हीकल को स्पॉन करते हो बिल्कुल सेम तरीके से आप लोग यहाँ पर स्पाइडर को स्पॉन करा सकते हो चीट कोड की मदद से। और गाइस जैसे ही आप लोग अपने गेम के अंदर स्पाइडर को स्पॉन कराओगे तो ये स्पाइडर आपके ऊपर अटैक करने आएगा। और गाइस आप लोग अभी यहाँ पर देख ही सकते हो मैं इनके ऊपर अटैक कर रहा हूँ और ये लोग भी मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, और हमारे गेम के अंदर जो स्पाइडर है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और हाँ गाइस आप लोग इसे गलती से भी छोटा स्पाइडर समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये जो स्पाइडर ये काफी ज्यादा बड़ा है। और गाइस जो अभी ये आप लोग स्पाइडर देख रहे हो ये गाइस जंप भी करता है, अभी आप लोग देख ही सकते हो मेरे ऊपर कितना खतरनाक तरीके से ये अटैक कर रहा है। और गाइस आप लोग यहाँ पर मेरे हेल्थ की तरफ भी देख सकते हो, मेरा हेल्थ ये लोग इजी तरीके से यहाँ पर डाउन कर दे रहे हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो मेरे पीछे अभी कितना सारा स्पाइडर पड़ चुका है। तो चलो अभी मैं आपको इनको किल करके भी दिखा देता हूँ। तो गाइस अगर आप लोग इनके ऊपर आरपीजी से अटैक करते हो तो ये स्पाइडर इस तरीके से मर जाएगा, लेकिन अगर आप लोग उसकी बजाय अगर AK-47 इनके ऊपर फायर करोगे तो ये काफी टाइम लगाएगा, जिसके बाद ये आपके ऊपर अटैक करके आपका गेम बस्टेड कर देगा। अगर गाइस आप लोग स्पाइडर से बचना चाहते हो तो आप लोग किसी भी एक व्हीकल के अंदर जाके बैठ जाना, तो ये आपके ऊपर अटैक करेगा लेकिन आपका हेल्थ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो मैं इस वाले लैम्बोर्गिनी के अंदर बैठ चुका हूँ। तो अभी आप लोग एक चीज नोटिस कर सकते हो कि अभी मेरे ऊपर काफी सारे स्पाइडर ने अटैक किया, लेकिन जो मेरा ये हेल्थ है ये बिल्कुल भी नहीं डाउन हुआ। तो आप लोग स्पाइडर से बचने के लिए किसी भी व्हीकल के अंदर जाके बैठ सकते हो। तो चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को स्पाइडर को किल करके भी दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग अपने गेम के अंदर कौन से चीट कोड नंबर से स्पाइडर को स्पॉन करा सकते हो। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, देख सकते हो स्पाइडर काफी ज्यादा ऊंचा ऊंचा जंप करता है। तो गाइस जैसे आप लोग स्पाइडर को स्पॉन करने के लिए चीट कोड को डायल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली स्पॉन होने लगेगा। तो चलो गाइस अभी मैं आपको स्पाइडर को किल करके भी दिखा देता हूँ। तो गाइस जिस भी स्पाइडर के ऊपर आप लोग कंटिन्यू फायर करोगे तो स्पाइडर वहीं पर ही किल हो जाएगा। और गाइस इसके अलावा अगर आप लोग आरपीजी से इनके ऊपर अटैक करते हो तो जितना भी यहाँ पर स्पाइडर देखने के लिए मिलेगा वो एक ही शॉट में यहाँ पर किल हो जाएगा। तो गाइस जो अभी आप लोग ये स्पाइडर देख सकते हो ये काफी ज्यादा खतरनाक है, और ये लोग मेरे ऊपर अटैक करके मेरा हेल्थ को काफी ज्यादा डाउन कर दिया है। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो ये जो स्पाइडर ये कितना ज्यादा मेरे ऊपर अटैक करके यहाँ पर देख सकते हो मेरे गेम को यहाँ पर बस्टेड कर दिया है। तो चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग अपने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर कौन से चीट कोड नंबर से स्पाइडर को स्पॉन करा सकते हो। गाइस आप लोग न्यू अपडेट के अंदर शायद से 5055 से आप लोग स्पाइडर को स्पॉन करा सकते हो, और स्पाइडर को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको डायल करना पड़ेगा 5056, तो आपके गेम के अंदर से ये स्पाइडर डीएक्टिवेट हो जाएगा। जिस तरीके से गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर 2030 डायल करते हो तो आपके गेम के अंदर स्पॉन हो जाता है ज़ॉम्बी, तो बिल्कुल सेम तरीके से आपके गेम के अंदर स्पाइडर भी उसी तरीके से स्पॉन हो जाएगा। तो गाइस मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर न्यू अपडेट के अंदर स्पाइडर का क्या चीट कोड नंबर होने वाला है, और आप लोगों को ये स्पाइडर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता देना। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर ऑटो रिक्शा को कौन से चीट कोड नंबर से स्पॉन करा सकते हो। तो चलो गाइस मैं अभी आप लोगों को ऑटो रिक्शा का चीट कोड नंबर बता देता हूँ। तो गाइस आप लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि गाइस इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ऑटो रिक्शा को ऐड करवाओ, ऑटो रिक्शा को ऐड करवाओ। तो फाइनली गाइस हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ऑटो रिक्शा को ऐड कर दिया है, और आप लोग यहाँ पर ऑटो रिक्शा का गेम प्ले वीडियो देख ही सकते हो। एंड काफी बंदे को अभी तक ऑटो रिक्शा का चीट कोड नंबर नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो अपने गेम के अंदर ऑटो रिक्शा को ड्राइव नहीं कर पाते हैं। तो गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर ऑटो रिक्शा को कौन से चीट कोड नंबर से डायल करके आप लोग अपने गेम के अंदर ड्राइव कर सकते हो, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइस हमारे गेम के अंदर शायद से ऑटो रिक्शा का चीट कोड नंबर 8789 रहने वाला है, और 8789 हमारे गेम के अंदर ऑटो रिक्शा का चीट कोड नंबर क्यों रहने वाला है वो भी मैं आप लोगों को चलो बता देता हूँ। क्योंकि जो हमारे ऑटो के पीछे जो नंबर प्लेट है उसमें गाइस 8789 लिखा है, इसीलिए गाइस हमारे गेम के अंदर ऑटो रिक्शा का चीट कोड नंबर 8789 रहने वाला है, और उससे शायद आप लोग न्यू अपडेट के अंदर ऑटो रिक्शा को स्पॉन करा सकते हो। क्योंकि जो हमारे गेम के अंदर कार व्हीकल वगैरह है उन व्हीकल के नंबर प्लेट में नंबर वगैरह नहीं लिखा रहता है, लेकिन गाइस जो हमारे गेम के अंदर ऑटो
रिक्शा है, उस ऑटो रिक्शा के नंबर प्लेट में आपको नंबर देखने के लिए मिलता है और उसी फोन नंबर से आप लोग न्यू अपडेट के अंदर ऑटो रिक्शा को स्पॉन करा सकते हो। और गाइस अभी आप लोग शायद से 8789 डायल करते हो तो अभी आप लोगों के गेम के अंदर ऑटो रिक्शा स्पॉन नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि गाइस अभी आपका गेम अपडेट नहीं है, इसीलिए गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर 8789 डायल करते हो तो आपके गेम के अंदर ऑटो रिक्शा इसीलिए स्पॉन नहीं होता है। तो गाइस जैसे आप लोग अपने गेम को अपडेट कर लोगे और उसके बाद आप लोग 8789 को डायल करोगे तो उसके बाद आप लोगों को शायद अपने गेम के अंदर ऑटो रिक्शा देखने के लिए मिल सकता है। और गाइस हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम का न्यू अपडेट कब आने वाला है वो भी मैं आप लोगों को वीडियो को आगे बता दूंगा। और गाइस मैंने आप लोगों को गेम के अंदर आने वाले न्यू ऑटो रिक्शा का चीट कोड नंबर भी बता दिया हूं। और गाइस आप लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि गाइस ऑटो रिक्शा के अंदर NPC को भी ऐड करवाओ, तो गाइस अगर आप लोग ऑटो रिक्शा के अंदर NPC को ऐड करवाना चाहते हो तो गाइस आप लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भाई यार ऑटो रिक्शा के अंदर NPC को ऐड करवाओ। तो गाइस अगर आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करते हो तो आप लोगों को न्यू अपडेट के अंदर ऑटो रिक्शा के अंदर NPC देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस आप लोगों को ये ऑटो रिक्शा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी आप लोग RG स्टाइल के अंदर कौन से कोड से आप लोग टनल को स्पॉन करा सकते हो। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि RG स्टाइल का कौन सा कोड है जिसकी मदद से आप लोग सीक्रेट टनल को स्पॉन करा सकते हो। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार ट्रेन स्टेशन को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं चलो आप लोगों को ऊपर चढ़ के भी दिखा देता हूँ कि हमारा ये जो न्यू ट्रेन स्टेशन है ये कैसा लगता है देखने में। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो जो ये न्यू ट्रेन स्टेशन है ये कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से तैयार किया गया है। और गाइस आप लोग एक बार इसका वॉल वगैरह को भी चेक करो कितना बढ़िया तरीके से इनको लगाया गया है। तो भाई लोग आप लोग RGS टूल के अंदर कौन से न्यू कोड से इस वाले न्यू टनल को स्पॉन करा सकते हो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और साथ ही साथ में ये जो टनल का न्यू वॉल है ये आप लोग RGS टूल के अंदर कौन से कोड को डायल करके मंगा सकते हो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को RGS टूल के अंदर एक कोड डायल करके यहाँ पर एक वॉल को हटा के दिखा देता हूँ कि आप लोग कैसे कौन से कोड से एक वॉल को हटा सकते हो। तो गाइस उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फोन को निकाल के RGS टूल के अंदर चले जाना है और उसके बाद यहाँ पर लिखना है मोड ऑन। तो गाइस जैसे ही आप लोग मोड ऑन लिखोगे तो आपके गेम के अंदर ये वाला फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोग किसी भी वॉल को अपनी मर्जी से यहाँ पर साइड कर सकते हो। तो चलो अभी मैं आपको इस वाले वॉल को यहाँ पर साइड करके दिखा देता हूँ। तो चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को जो ये वाला वॉल है इसे साइड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं इसको अभी यहाँ पर इजीली इधर उधर कर पा रहा हूँ। तो चलो वापिस इसके जगह पर यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। तो चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को एक और एक चीज बता देता हूँ कि आप लोग न्यू अपडेट के अंदर RGS टूल के अंदर कौन से कोड को डायल करके आप लोग ऊपर वाले वॉल को मंगा सकते हो। तो गाइस जैसे आप लोग RGS टूल के अंदर जाके कोड को डायल करते हो W1W3 करके तो आप लोगों को जो वॉल देखने को मिलता है उसी तरीके से आप लोग टनल को बना सकते हो। और गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि गाइस RGS टूल के अंदर कोड को डायल करके हम लोग वॉल को तो स्पॉन कर सकते हैं लेकिन टनल क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि जो अभी जो ये टनल वाला गेम प्ले वीडियो देख रहे हो ये गाइस न्यू अपडेट का गेम प्ले वीडियो है, इसलिए गाइस आप लोग जो टनल के अंदर वॉल वगैरह लगा है उसको आप लोग RGS टूल के अंदर स्पॉन नहीं करा सकते हो। तो गाइस जब हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम का न्यू अपडेट आएगा तब आप लोगों को RGS टूल के अंदर काफी सारे न्यू फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइस मैं आप लोगों को और एक चीज बता दूं, शायद से हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर न्यू अपडेट के अंदर गाइस आप लोगों को ट्रेन स्टेशन में शायद से पहले से ही आप लोगों को टनल देखने के लिए मिल सकता है। या तो जो न्यू वॉल ऐड हुआ है RGS टूल के अंदर उसको आप लोग कोड को डायल करके अपने मर्जी से भी टनल बना सकते हो। एंड गाइस अभी आप लोगों को तो सब कुछ समझ में आ ही गया होगा कि आप लोग न्यू अपडेट के अंदर इस वाले न्यू टनल को कैसे क्रिएट कर सकते हो। बाकी जो गाइस हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ये न्यू टनल ऐड हुआ है ये आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता देना। और गाइस आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम का न्यू अपडेट का फिक्स डेट बता देता हूँ। तो चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को न्यू मॉडिफाइड एंडोवर कार का चीट कोड नंबर बता देता हूँ। तो गाइस जो हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर जो ओल्ड एंडोवर कार था, तो गाइस जो हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ओल्ड एंडोवर कार का चीट कोड नंबर था बिल्कुल सेम ही इस वाले मॉडिफाइड एंडोवर कार का चीट कोड नंबर भी रहने वाला है। तो चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को मॉडिफाइड न्यू एंडोवर कार को चलाकर फिर दिखा देता हूँ कि हमारा जो ये न्यू एंडोवर कार है ये कैसे चलता है। गाइस जो हमारे गेम के अंदर ओल्ड एंडोवर कार था बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये एंडोवर कार चलता है, लेकिन जो ये एंडोवर कार का फ्रेंड है उसका लुक थोड़ा सा चेंज है और लाइट वगैरह को भी चेंज कर दिया है गेम के अंदर। तो ये न्यू मॉडिफाइड एंडोवर कार आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। तो गाइस मैंने आप लोगों को न्यू टॉप 4 अपडेट के बारे में बता दिया है, अब बाकी गाइस हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम का न्यू अपडेट आप लोगों को कब देखने के मिल रहा है। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम का फिक्स डेट बता देता हूं। तो गाइस हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम का न्यू अपडेट आप लोगों को इस मंथ के एंड में देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस आप लोगों को न्यू टॉप 4 अपडेट कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बस गाइस आज का वीडियो यहाँ तक ही है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो। तो गाइस वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी कर दीजिए फटाक से सब्सक्राइब। बाकी अगर मुझे न्यू अपडेट से रिलेटेड कुछ भी चीजें पता लगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर लेना ताकि जब मैं न्यू अपडेट से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाए। बस गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं मिलता हूँ ऐसे और एक मजेदार वीडियो
के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।